हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम गेट में आए हुए एक क्वेश्चन की बात करेंगे जिसमें कुछ डिजीज़ दी हुई हैं और उनका काजिंग पैथोजन दिया हुआ है ना। तो सबसे पहली डिजीज़ दी है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, और दूसरी है स्पॉटेड फीवर, और तीसरा है मम्स, फिर फोर्थ है फाइलेरियसिस, है ना। तो इसमें सबसे कॉमन अगर वर्ड हम ढूंढना चाहें तो फाइलेरियसिस का क्या होगा, फाइलेरिया किससे होता है, फाइलेरिया किससे होता है, वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई से, है ना। तो हमारा अगर हम यहाँ देखें, ए लिख लेते हैं, बी लिख लेते हैं, सी एंड डी, है ना। तो ये हमने लिख लिया। फिर अब देखते हैं डी का हमारा क्या होगा, फाइलेरिया का, फाइलेरिसिस का है वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई। अगर इसको हम नंबर लिख लें 1, 2, 3, 4, 5, ओके, तो डी का हमारा हो गया क्या, थर्ड, ये सही हो गया। फिर दूसरा देख लेते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस देख लेते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं मम्स, मम्स किससे होते हैं, मम्स जो होते हैं ये किससे होता है, तो सी का हो जाएगा यहाँ फर्स्ट, फर्स्ट में क्या है, जो रूबेलो वायरस होता है, रूबेलो वायरस से क्या होता है, मम्स होता है, या इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, गलशुआ की बीमारी कहते हैं, है ना, जिसमें गाल हमारा जो होता है, ये वाला पार्ट जो होता है इसमें स्वेलिंग आ जाती है, ठीक। फिर देखते हैं स्पॉटेड फीवर, तो यहाँ मम्स सी का हमने देख लिया क्या है, यहाँ फर्स्ट, ओके, सी का फर्स्ट हो गया। फिर स्पॉटेड फीवर का देखते हैं, स्पॉटेड फीवर किससे होता है, स्पॉटेड फीवर होता है रिकेट्सिया रिकेट्साई से, है ना, किससे होता है, रिकेट्सिया रिकेट्साई से, ओके, तो स्पॉटेड फीवर बी का हो गया हमारा फोर्थ, बी का क्या है, फोर्थ हो गया, ओके। फिर है एक बीमारी है जिसे कहते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, तो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस किससे होता है, किसके कारण होता है, ट्रिपैनोसोमा ब्रूशाई के कारण, है ना। तो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस किससे होता है, ट्रिपैनोसोमा ब्रूशाई, तो ए का हो जाएगा सेकेंड, ओके, तो ए का सेकेंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट एंड डी का थर्ड, ओके, थैंक यू।